नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका केशव ट्रेडिंग कंपनी में। तो दोस्तों आपको पता है चाय पत्ती के व्यापार संबंधित बातें हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों करते रहते हैं और आप लोगों को दोस्तों बताते रहते हैं कि अभी जो है चाय बाजार में क्या चल रहा है, चाय व्यापार में क्या चल रहा है। ये बातें जो है दोस्तों हम डे बाय डे डेली नए नए वीडियो बना के और जो भी अपडेट रहती है दोस्तों आपकी लाइसेंसिंग को लेके, आपकी पैकेजिंग को लेके, आपके रॉ मटेरियल को लेके, वो सारी समस्याएं जो है उनका समाधान दोस्तों अपने वीडियोज में बताते रहते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम एक खास टॉपिक पे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप लोगों को भी पता होगा दोस्तों जब आप लोग चाय बिजनेस में आते हैं तो आप लोग जो हैं इस बिजनेस को किस टाइप से कर सकते हैं। चाय बिजनेस करने के दोस्तों काफी सारे मीडियम जो है मार्केट में हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको दोस्तों आप ऐसा नहीं किसी एक ही तरीके से कर सकते, बहुत डिफरेंट टाइप से आप लोग जो है इस वाले काम को आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। डिफरेंट टाइप की अगर हम बात करें तो मैं एक तो होता है कि आपके पास अच्छा खासा बजट है, एक होता है कि आप लोग बिल्कुल एक मिनिमम बजट से स्टार्ट कर रहे हैं, एक होता है कि बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरीके से आप लोग जो है इस बिजनेस में आ सकते हो और इस बिजनेस को करने के जो दो मेन फॉर्मेट है उनकी हम लोग आज बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मेट दोस्तों होता है लूज चाय सप्लाई का। आप लोगों ने खुली चाय मार्केट से परचेज की और उसको सीधा का सीधा मार्केट में बेच दिया, तो बहुत सारे व्यापारी दोस्तों इसी फॉर्मेट पे काम करते हैं। वो लोग जो हैं डायरेक्ट लॉट वगैरह में माल परचेस करते हैं, ये फिर अगर वो छोटे मोटे ही होलसेल का काम कर रहे हैं तो भी वो लोग दोस्तों डायरेक्ट जो हैं टी के बैग्स परचेस करते हैं और बैग्स में तो या तो वो लोग बिल्कुल खुली चाय जो है 1 kg 2 kg 5 kg इस टाइप से सप्लाई करते हैं, या फिर अगर उनका जो क्लाइंट बेस है वो अच्छा है तो वो लोग डायरेक्ट जो है टी के बैग्स की सप्लाई देते हैं दोस्तों। अब यहां से हम बात करते हैं इसके दूसरे फॉर्मेट। दूसरे फॉर्मेट में जब हम लोग जाते हैं दोस्तों तो वो आता है पैकेट फॉर्मेट, अपने खुद के नाम से ब्रांड। इसके बारे में दोस्तों जो है एक विस्तृत चर्चा हम लोग ऑलरेडी कई वीडियोस में कर चुके हैं कि आप लोग कैसे अपना खुद का ब्रांड बना सकते हैं, उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसमें क्या लाइसेंसिंग प्रोसेस होगी, आप लोगों को पैकेजिंग किस टाइप से करानी है। इन सभी टॉपिक पे अगर आप लोगों को वीडियोज देखनी है तो लिंक दोस्तों सबके सारे वीडियोज के 10-12 मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप लोगों को दोस्तों बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आप लोग जो है खुद के ब्रांड के लिए लाइसेंसिंग पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या है, कितना खर्चा होने वाला है, पैकेजिंग कैसे करानी है, रॉ मटेरियल कैसे परचेज करना है, सारी विस्तृत जानकारी आपको उन लिंक्स में मिल जाएगी दोस्तों। तो वो लिंक क्लिक करके आप लोग वो वीडियोज जरूर देखें अगर आप लोग आना चाहते हैं पैकेट फॉर्मेट में। पैकेट फॉर्मेट में दोस्तों बेसिकली होता क्या है, अपना खुद का एक ब्रांड बनाते हैं हम लोग, अपना खुद का एक ब्रांड बनाते हैं, पैकेट डिजाइन करवाते हैं और अपने नाम से जो है एक पैकेट मार्केट में लॉन्च करते हैं, जो कि हम लोग जो है कंटिन्यूस सप्लाई करते हैं अपने नियर बाय लोकेशंस में या फिर कहीं भी जहां पे अपने क्लाइंट बेस बनाते हैं। हम लोग दूर दूर भी दोस्तों अपने पैकेट की सप्लाई कर पाते हैं। पैकेट की सप्लाई करने के लिए दोस्तों हम लोगों को एक अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर एक अच्छे स्तर पर हम लोगों को शुरू करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की हमें जरूरत पड़ती है, प्रॉपर पैकेजिंग की हमें जरूरत पड़ती है और एक अच्छी खासी एक कुशल तकनीक जो कि ब्रांडिंग की होती है एक उसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजों की हमें पड़ती है जरूरत अगर हम लोग जो है पैकेट फॉर्मेट में अगर आना चाहते हैं। चाय बिजनेस की जो पैकेटिंग है दोस्तों उसमें स्ट्रगल जरूर लगता है, लेकिन अगर आप लोगों ने सही टाइम दिया, सही क्वालिटी दी और दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस रखा तो आपका जो मार्केट है दोस्तों बहुत जल्दी ग्रो करने लग जाता है। आपको तो पता ही है दोस्तों भारत में चाय के प्रति जो क्रेज है वो बहुत ज्यादा है दोस्तों। हर किसी के सुबह की शुरुआत, शाम में भी, दोपहर में भी, कहीं भी मिलना जुलना है तो चाय के बिना दोस्तों सारी चीजें अधूरी हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट दोस्तों चाय का है। अब आप लोग अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने मैंने दोनों तरीके रख दिए हैं दोस्तों। आप लोग लूज चाय लेके डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी दोस्तों एक फॉर्मेट अलग ये चलता है कि आप लोग होटल में सप्लाई दे सकते हैं जो कि सादा पाउचेज में, जो आप लोगों ने देखे होंगे अपने नियर बाय जो सप्लायर होते हैं सादा पाउच मार्केट से लेके और उनको 1 kg या 1/2 kg में सप्लाई देते हैं दोस्तों, या फिर 5 kg के बैग भी दोस्तों सप्लाई होते हैं होटलों पे। सिंपल बैग मार्केट से लो 5 kg उसमें चाय पत्ती डालो और अलग अलग होटल पे दोस्तों आप लोग सप्लाई कर सकते हैं। पैकेट फॉर्मेट में थोड़ा सा आप लोगों को स्ट्रगल लगेगा दोस्तों, लेकिन अगर पैकेट का दोस्तों अगर चल गया मार्केट में तो एक अच्छा खासा नाम आपको, पैसे के साथ साथ नाम भी दोस्तों आपका हो जाता है उस एरिया में। तो चीजें दोनों ही बढ़िया हैं। अब सोचना आपको है दोस्तों कि आपको अपने बजट, अपने रिसोर्सेस,
अपनी जो भी कुशल तकनीक है उसके हिसाब से कौन से फॉर्मेट को चुनना है, मार्केट को देख के, आपके एरिया को देख के, आपकी इनकम सोर्सेस को देख के कि कितना आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना आप लोगों के पास टाइम है, तो ये सारी चीजों को देख के और आप लोग इन दोनों फॉर्मेट में से किसी भी एक फॉर्मेट को स्टार्टिंग में चुने और दोस्तों अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएं। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों ये जो वीडियोस हैं केशव ट्रेडिंग कंपनी की, इनको लगातार वाच करते रहें। हम लोग अलग अलग तरीके की जो है तरीके आप लोगों को बताते रहते हैं दोस्तों, किस टाइप से मार्केटिंग करनी है आप लोगों को, क्या ऑफर स्कीम्स लगानी होती है ताकि आपका बिजनेस जल्दी बढ़ सके, क्या क्या चीजों को ध्यान आपको रखना होता है दोस्तों, कब मार्केट अप एंड डाउन रहते हैं, ये सारी चीजों की अगर जानकारी रूटीन में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे दोस्तों हम आपको बताते हैं चाय व्यापार का सब कुछ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में दोस्तों। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी टाइप की वीडियोस हम लाते रहते हैं। धन्यवाद।